वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, आज यानी कि इस 151st एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉपुलर इंग्लिश वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, आज ट्रेंडी वर्ड्स हैं उन्हें हम पॉपुलर वर्ड्स यहाँ पे बताएंगे, ऐसे वर्ड्स बताएंगे जो आजकल यूज हो रहे हैं और आपको सुनने में पढ़ने में बिल्कुल मिलते हैं और आप यूज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से अपनी डायरी, नोट पर या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ फ्यू सेकेंड्स। और साथ ही दोस्तों, याद रखिए, अगर कोई भी एपिसोड आपने मिस कर दिया वोकैबुलरी डोज का, डोंट वरी, आप हमसे मांग सकते हैं या आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है यानी कि रेडियो उड़ान का जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे बिल्कुल आप सभी एपिसोड्स जो वोकैबुलरी डोज के हैं वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। Happy listening, happy learning, stay tuned. अरे रिया, हाय, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ यार, तुम कैसे हो? अरे क्या हुआ, बड़ी उदास लग रही हो? जॉब इंटरव्यूज देती हूँ यार, कहीं सिलेक्शन ही नहीं होता, कहते हैं आपकी वोकैबुलरी सही नहीं है। क्या तुमने रेडियो उड़ान का वोकैबुलरी डोज शो नहीं सुना? नहीं, वो क्या है? आरजे दिव्या लेकर आते हैं वोकैबुलरी डोज एवरी थर्सडे 7 to 8 PM, जिसमें आप एनहेंस कर सकते हैं अपने इंग्लिश वोकैबुलरी को और कर सकते हैं सबको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग से इम्प्रेस। तो आज ही सुनिए वोकैबुलरी डोज एवरी थर्सडे 7 to 8 PM एंड रीब्रॉडकास्ट ऑन एवरी फ्राइडे 3 to 4 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudaan.com और इस शो को कभी भी सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। हैप्पी लिसनिंग। आज ही सुनती हूँ इस शो को। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 151st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो चलिए, आज मैंने जैसे बताया हम बात करेंगे कुछ पॉपुलर वर्ड्स की। जी हाँ दोस्तों, बीच बीच में कुछ कुछ हफ्तों में हम पॉपुलर वर्ड्स को लेते रहेंगे ताकि पीछे ना छूट जाएं। तो चलिए, द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज फरेगो। फरेगो, FARRAGO, फरेगो, FARRAGO, फरेगो, यानी कि अ कंफ्यूज्ड मिक्सचर। जब कोई चीज बहुत हॉच पॉच हो, बहुत ज्यादा मिक्सचर हो, मिसमैच हो, तो तब हो जाता है फरेगो। जैसे क्या होता है, अ फरेगो ऑफ फैक्ट्स एंड मिथ्स अबाउट एक्स वाई जेड। जैसे सपोज आप कोई किसी बारे में कुछ पढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये फैक्ट्स हैं या क्या है, ये मिथ है या फैक्ट्स हैं या क्या है, तो आप कह सकते हैं इट इज अ फरेगो ऑफ फैक्ट्स एंड मिथ्स, मतलब मिक्सचर, ब्लेंड। तो फरेगो यानी कि कंफ्यूज्ड मिक्सचर। सो फरेगो, FARRAGO, फरेगो। तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज इम्पास। इम्पास, IMPASSE, इम्पास, IMPASSE, इम्पास, यानी कि दोस्तों इस वर्ड का मतलब है अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड। अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड, तो तब हम कह सकते हैं इम्पास। जैसे एक सेंटेंस दूंगी और आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, वी रीच्ड एन इम्पास ऑन द negotiations, मतलब जैसे दो टीम है, दोनों आपस में बात करी कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए और कुछ भी negotiations हुई नहीं, किसी की भी बात मानी नहीं गई, तो फिर we reached an impasse, यानी कि जहां पे आगे कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती, कोई आगे एडवांसमेंट या कोई आगे स्टेप लिया ही नहीं जा सकता, मतलब डेड एंड हो गया, तो उससे हम क्या कह देते हैं, इम्पास। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी। तो चलिए, अभी के लिए थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज बंकम। बंकम, BUNKUM, बंकम। दोस्तों ये एक इनफॉर्मल वर्ड है, बनकन, BUNKUM, बनकन, यानी कि स्टेटमेंट्स और बिलीव्स दैट आर अनट्रू और मेक नो सेंस, मतलब कुछ होता ना जिनमें सेंस ही नहीं होती या बहुत ही मतलब बेवकूफ या मतलब होता ना कि बहुत ही अजीब से अटपटे से जिसमें सच्चाई ना हो, तो वो उन्हें बंकन, BUNKUM, बंकन। सो स्टेटमेंट्स और बिलीव्स दैट आर या तो कह सकते हैं अनट्रू और मेक नो सेंस। जैसे दे टॉक अ लॉट ऑफ बंकन,
मतलब वो फालतू की बातें बहुत करते हैं, मतलब जिसमें कोई बेस सिर पैर नहीं होता जिनका, तो हम अक्सर हिंदी में कह देते हैं सिर पैर नहीं है इस बात का, तो वो बंकन बातें यानी कि नॉनसेंस, सो बंकन। तो चलिए, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। द नेक्स्ट वर्ड फॉर द इज स्वेल्ट, स्वेल्ट, S V E L T E, swelt। जी हाँ दोस्तों, swelt, S V E L T E, swelt, यानी कि showing a high degree of refinement and the assurance that comes from wide social experience। मतलब कोई व्यक्ति या कोई चीज जिसको देख के आपको refined लगे, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे और आपको लगे कि उसे बहुत experience है, तजुर्बा है, तो तब आप use कर सकते हैं swelt, S V E L T E, swelt। जैसे His swelt manner, मतलब जो उसका मैनर है बहुत ही sophisticated, बहुत ही अदा से, बहुत ही आराम से, बहुत ही नाजुकता से कोई चीज कोई कर रहा है, उसका बहुत ही sophisticated सा वे है, तो वो क्या हो गया, His swelt manner, या her swelt manner, या फिर she was swelt and sophisticated, मतलब swelt यानी कि बहुत ही refined और sophisticated थी। So ये swelt word आपको clear हो गया होगा। फिर भी अगर कोई doubts रह जाते हैं आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, दीज आर द फोर वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड। लेट मी टेक अ क्विक रीकैप फॉर योर कन्वीनियंस। द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज फरेगो, फरेगो, एफ ए डबल आर ए जी ओ, फरेगो, यानी कि अ कंफ्यूज्ड मिक्सचर, कोई चीज जो कंफ्यूज्ड हो, मिक्सचर हो, तो उसे हम कहते हैं फरेगो। जैसे अ फरेगो ऑफ फैक्ट एंड मिथ अबाउट एक्स वाई जेड और जो भी, तो वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया फरेगो, कि कुछ मिथ है कुछ रियलिटी है, तो मिक्सचर है, मिक्सअप है, सब सब हॉच पॉच है, तो वो हो गया फरेगो। तो चलिए, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज इम्पास, आई एम पी ए डबल एस ई, इम्पास, यानी कि अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड और नो एडवांसमेंट इज पॉसिबल। कोई सिचुएशन जिसमें प्रोग्रेस ना की जा सके और कोई भी एडवांसमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो तब हम कहते थे इम्पास। जैसे We reached an impasse on the negotiations। मतलब negotiations में हम एक impasse पे पहुंच गए, यानी कि हमें कि आगे कुछ था ही नहीं। So we reached an impasse। तो चलिए, the third sentence for the evening was, यू कहूँ the third word for the evening was bunkum, b u n k u m, bunkum, b u n k u m, bunkum, यानी कि informal word है ये, और इसका मतलब होता है statements or beliefs that are untrue or make no sense। तो बंकम का मतलब यही होता है, जो बातें या चीजें या बिलीफ, सोच जिसका कुछ हाथ पैर ना हो, बिल्कुल भी मतलब सच्चाई ना हो, जिसमें नॉनसेंस हो, तो वो होता है बंकम, बी यू एन के यू एम, बंकम। जैसे दे टॉक अ लॉट ऑफ बंकम, मतलब बहुत फालतू की आमा की बेसिर पैर की बातें करते हैं, सो बंकम, बी यू एन के यू एम, बंकम। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द फर्स्ट सेगमेंट वाज स्वेल्ट, S V E L T E, swelt, यानी कि दोस्तों बताया था मैंने आपको swelt का मतलब होता है showing a high degree of refinement and the assurance that comes from wide social experience। मतलब swelt आप ऐसी चीज, ऐसे व्यक्ति या ऐसे अदा के लिए यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ही refined है, बहुत अच्छी है, बहुत ही क्वालिटी से भी ज्यादा ऊपर है, और साथ ही उसको देख के लगता है कि इस चीज में तजुर्बा है या इस व्यक्ति में तजुर्बा है, तो उसे हम कहते हैं swelt। जैसे His swelt manner, या फिर दूसरे तरीके से भी आप बोल सकते हैं she was swelt and sophisticated, मतलब वो एक swelt और sophisticated महिला थी। तो swelt यानी कि बहुत ही ज्यादा refined और sophisticated, आप जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही classy kind of। तो दोस्तों, these were the four words for the first segment of this episode। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा और ये चार words आपको काफी news में यहाँ वहाँ जरूर पढ़ेंगे, तो ये फोर वर्ड्स पॉपुलर हैं। तो अभी के लिए मैं लेती हूँ, बने रहिए क्योंकि ब्रेक के उस पर आके हम बात करेंगे आगे और वर्ड्स की। स्टे ट्यून्ड, यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अ प्रीतम पाल एक्सक्लूसिव, लेट्स गो। विशी रिच, कम ऑन, तू जिते जा मैं भी तेरे नाल जावा, तेरे लिए वैलेंटिनो दी ड्रेस मैं पावा, हे हाउ डू यू डू, आई गेस आई बीन लुकिंग लॉन्ग टाइम फॉर यू, yeah, द वे यू मूव, फॉर यू गॉट दैट स्वैगर, आई गॉटा से आई नेवर मेट अ गाय लाइक यू, आ जा जा बॉय,
चलिए देखने जाके तुझे पाप बलिए नहीं किसे नाइट जी बीट किसे स्वीट जी बीट नाइट जी बीट किसे स्वीट जी बीट टुगेदर ही करांगे आपा चिल नमस्कार, हमारे दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं और अदर लिसनर्स के सुविधा के लिए उनके घर बैठे ही उनके ईमेल अकाउंट में ऑनलाइन पुस्तकों का लिंक भेजने की सुविधा नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया मुंबई द्वारा शुरू की गई है। आप घर बैठे ही लगभग 6-7 हजार पुस्तकों में से पुस्तक चुनकर हिंदी, इंग्लिश, मराठी किसी भी भाषा की पुस्तक डायरेक्ट अपने इनबॉक्स में मंगा सकते हैं। इस हेतु आप नैब इंडिया टॉकिंग बुक लाइब्रेरी के मोबाइल क्रमांक 9372766319 अथवा ईमेल टॉकिंग बुक talkingbook@nabindia.info पर संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट nabindia.org अथवा nabindia लाइब्रेरी library.in। दोस्तों, नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 151st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलर इंग्लिश वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, समय से समय मैं ये पॉपुलर वर्ड्स की बात करते रहूंगी, जिन वर्ड्स का बहुत ज्यादा आजकल बात की जा रही है, यूज किया जा रहा है, ताकि आप बिल्कुल ट्रेंडी रहें और आपके वर्ड्स कभी भी आप वर्ड्स की वजह से पीछे ना रह जाएं। तो चलिए, अभी के लिए जो फिफ्थ वर्ड है शाम का वो है चल। चल, CHURL, चल। वेल दोस्तों, ये चुल नहीं है जो हिंदी का गाना है कर गई चुल, नहीं वो वाला चुल नहीं है, ये इंग्लिश का वर्ड है चल, CHURL, चल। यानी कि अ क्रूड, अनकूत, इल ब्रेड पर्सन लैकिंग कल्चर और रिफाइनमेंट। सिंपल भाषा में कहूँ तो चल उस व्यक्ति के लिए यूज होता है जिसे कोई मैनर्स ना हो, बिहेवियर ना हो, जिसको बिल्कुल ही अनपढ़ता तो हो ही साथ में, मतलब कई लोग होते हैं जिन्हें अकल ही नहीं होती कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, कैसे किसी से व्यवहार करना है, तो बहुत ही ज्यादा इल मैनर्ड होते हैं, इल ब्रेड होते हैं,
और साथ ही बहुत क्रूड होते हैं, यानी कि रूड होते हैं, तो उन्हें हम कह देते हैं चर्ल, CHURL, चर्ल। जैसे ही इज अ चर्ल, ऑलवेज टॉकिंग फुलिशली एंड एक्टिंग स्टूपिडली, मतलब कोई व्यक्ति जो ऑलवेज बेवकूफों की तरह बातें करता है, फालतू की चीजें करता है, मतलब बिल्कुल भी रिफाइंड नहीं है, सोसाइटी के हिसाब से बिल्कुल भी कल्चरल नहीं है, तो उसके लिए हम व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हैं वर्ड चर्ल, CHURL, चर्ल। तो चलिए, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड्स, सोरोरल, सोरोरल, SORORAL, सोरोरल, SORORAL, सोरोरल, यानी कि लाइक और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और बिफिटिंग अ सिस्टर। ये जब आप किसी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं जिसको आप सिस्टर की तरह मान सकते हैं, या जो कि आपके लिए सिस्टर की तरह ही है, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं सोरल, SORORAL, सोरल। यानी कि सेंटेंस ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। द सोरल कंसर्न, मतलब जैसे सपोज कीजिए कि आपका कोई दोस्त है जिसको आप अपनी बहन की तरह मानते हैं, बहुत ही क्लोज है, तो आपको उसकी चिंता हो रही है कि अरे उसका वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो वो क्या है, क्योंकि आप उसको बहन की तरह मानते हैं, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं द सोरल कंसर्न। तो ये आपके रियल सिस्टर के लिए भी हो सकता है, या किसी भी व्यक्ति के लिए जिसके आप अपनी सिस्टर की तरह मानते हैं और उसकी आपको चिंता होती है, तो उस एक फीलिंग को, उस अफेक्शन को, कि एक बहन की प्रति जो प्यार और लगाव या जो भी, मतलब सो उसे हम कहते हैं सोरल, SORORAL, सोरल, यानी कि लाइक और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टर। तो सोरल, SORORAL, सोरल, द सोरल कंसर्न। सेवेंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज बट्रेस, बट्रेस, BUTTRESS, बट्रेस, BUTTRESS, बट्रेस, यानी कि मेक स्ट्रॉन्गर और डिफेंसिबल, मतलब कोई चीज जिसको आप और भी स्ट्रॉन्ग बना दें या और भी ज्यादा उसको डिफेंसिबल बना दें कि उसकी वो अपने आप की रक्षा कर सके, तो तब आप उसको क्या, तब यूज कर सकते हैं बट्रेस। जैसे बट्रेस योर स्पीच, सपोज कीजिए कि आपने एक स्पीच देनी है और आपने वो किसी को सुनाई, तो किसी व्यक्ति ने आपको कहा यू नीड टू बट्रेस योर स्पीच, यानी कि और आपको इसको मजबूत बनाना होगा, सो बट्रेस योर स्पीच। या फिर जैसे गुड इंग्लिश वोकैबुलरी विल बट्रेस योर इंग्लिश कमांड, मतलब अगर आपकी अच्छी वोकैबुलरी होगी तो आपकी इंग्लिश की जो कमांड है वो तो बेहद उमदा होगी ही, तो बट्रेस हो गया दोस्तों सिंपल भाषा में सपोर्ट। तो चलिए, द एट्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज deleterious, 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 जी हाँ दोस्तों, आई रिपीट, deleterious, 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 यानी कि harmful to living things, कोई भी चीज जो living beings के लिए, living things के लिए dangerous हो, harmful हो, तो उनके लिए use होता है ये word deleterious। जैसे these are deleterious chemicals, additives, मतलब जैसे होते नहीं कोई चीज जो आप ऐड कर रहे हैं जिससे, जो कि हानिकारक है एक ह्यूमन बींग के लिए, तो अब उन्हें कह सकते हैं दीज आर डेलिटीरियस केमिकल एडिटिव्स। तो डेलिटीरियस यानी कि कोई भी चीज जो ह्यूमन बींग के लिए अच्छी नहीं है, हार्मफुल है। तो दोस्तों, दीज आर द फोर वर्ड्स फॉर द सेकेंड सेगमेंट ऑफ दिस 151st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आपकी आसानी के लिए एक जल्दी से रिकैप ले लेते हैं दोस्तों। The fifth word for the evening was churl, 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 यानी कि a crude, uncouth, ill-bred person, lacking culture or refinement। कोई भी व्यक्ति जो बिल्कुल अनकल्चर्ड हो, जिसमें कल्चर ही ना हो बिल्कुल, उसे पता ही नहीं कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे चलना है, बैठना है, बोलना है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसके लिए हम यूज कर देते हैं churl, he is a churl, CHURL, churl। तो यहाँ पे जैसे ऑलवेज टॉकिंग फुलिशली एंड स्टूपिडली, ही डजंट नो हाउ टू इवन सिट, स्टैंड, वॉक एंड टॉक, सो ही इज जस्ट अ चर्ल, CHURL, चर्ल। तो चलिए, द सिक्स वर्ड फॉर द इवनिंग वाज सोरल, सोरल, SORORAL, सोरल, यानी कि लाइक अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और बिफिटिंग अ सिस्टर, एक सिस्टर की तरह कोई व्यक्ति है आपके लिए, उसके लिए वो फीलिंग सिस्टर वाली है, तो उसके लिए आप कहते हैं सोरल। जैसे द सोरल कंसर्न, जैसे आपकी बहन है वो अभी तक उसने कहीं जाना था और वो पहुंची नहीं, या फिर उसका कोई कंपटीशन और अवार्ड आना है और यू आर वेरी कंसर्न कि अरे
पता नहीं क्या हुआ होगा, कैसे किया होगा, तो वो जो फीलिंग है, जो कंसर्न है, केयर है, तो वो क्रिया को हम जब बहन के प्रति आप करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं सोरल केयर, सोरल कंसर्न. सो द वर्ड हियर इज सोरल, SORORAL, सोरल. अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज रीच मी. तो चलिए अभी के लिए द नेक्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज बट्रेस, BUTTRES, बट्रेस. यानी कि दोस्तों बट्रेस का मतलब है मेक स्ट्रॉन्गर और डिफेंसिबल, किस चीज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, डिफेंसिबल बनाना. तो तब आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं बट्रेस. जैसे बट्रेस योर स्पीच, मतलब जो आपकी स्पीच है उसे और भी स्ट्रॉन्ग बनाओ, अभी इतनी अच्छी वीक है थोड़ी. या फिर इंग्लिश वोकैबुलरी या गुड इंग्लिश वोकैबुलरी विल ऑलवेज बट्रेस योर इंग्लिश कमांड. जी हाँ दोस्तों, आप अच्छे से तभी बोल पाएंगे, अच्छे से तभी एक्सप्रेस कर पाएंगे जब आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी होगी और भी मजबूत होगी, तो तभी आपकी इंग्लिश की जो भाषा है वो और भी मजबूत बनेगी. और इसीलिए शायद ये वोकैबुलरी डोज जो शो है ये सालों से चल रहा है रेडियो उड़ान पे आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी को और भी एनहांस करने के लिए. तो चलिए बहुत होगी प्रमोशन, अभी के लिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज वाज deleterious, 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 deleterious. यानी कि तो deleterious मतलब कि harmful to living things. कोई भी चीज जो harmful है living beings के लिए, living things के लिए, तो वो होती है deleterious. जैसे those are deleterious chemical additives. मतलब जैसे कुछ होता है ना, कुछ ऐड करके आप फ्लेवर डालिए या कुछ ऐड करके आपने किसी चीज का स्वाद बदल दिया, कुछ भी किया, तो वो जो additives हैं जो कि अच्छे नहीं है human beings के लिए, human things, ह्यूमन बींग्स या लिविंग बींग्स के लिए या लिविंग थिंग्स के लिए, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं deleterious. दीज आर deleterious additives. सो deleterious, 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 यानी कि harmful to living things. तो दोस्तों दीज वर द फोर वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड. लेट मी टेक अ ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग सेगमेंट्स. यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा एंड टुडे वी आर लर्निंग पॉपुलर इंग्लिश वर्ड्स.
नमस्कार, हमारे दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं और अदर लिसनर्स के सुविधा के लिए उनके घर बैठे ही उनके ईमेल अकाउंट में ऑनलाइन पुस्तकों का लिंक भेजने की सुविधा नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया मुंबई द्वारा शुरू की गई है। आप घर बैठे ही लगभग 6-7 हजार पुस्तकों में से पुस्तक चुनकर हिंदी, इंग्लिश, मराठी किसी भी भाषा की पुस्तक डायरेक्ट अपने इनबॉक्स में मंगा सकते हैं। इस हेतु आप नैब इंडिया टॉकिंग बुक लाइब्रेरी के मोबाइल क्रमांक 9372766319 अथवा ईमेल talkingbook@nabindia.info पर संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट nabindia.org अथवा nabindia.library.in। So, दोस्तों, now we are in the third segment of this 151st episode of Vocabulary Dose and today we are talking about popular words. जी हाँ दोस्तों, popular English words की बात कर रहे हैं जो कि आजकल काफी use हो रहे हैं या फिर सुनने में आते हैं। तो दोस्तों, ये words हमेशा आपको add up करते रहना चाहिए ताकि आप trendy रह सकें। तो चलिए, बातें बहुत हो, कदम बढ़ाते हैं 9th word की तरफ इस शाम के। तो चलिए, the 9th word for the evening is unkempt. Unkempt. UNKEMPT, unkempt, यानी कि not neatly combed। अगर कोई व्यक्ति है जो कि ऐसे उठ के आ गया जिसके बाल भी ठीक से उसने बनाए नहीं हुए हैं, वहीं खड़े हुए हैं, कहीं से कुछ निकल रहा है बालों में, तो बाल सही नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे, तो उसे आप कह सकते हैं unkempt। जैसे he has wild unkempt hair, मतलब उसके जो बाल है unkempt है, हमेशा ऐसे लगता है जैसे उसने कंघी नहीं की हुई। सो unkempt, unkempt यानी कि बाल किसी ने बनाए नहीं हुए, एमी खराब लग रहे हैं, सो unkempt, UNKEMPT, unkempt। तो दोस्तों, आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट्स है कि इन वर्ड्स को कैसे सेंटेंसेस में यूज करना है, क्योंकि बहुत से मेरे लिसनर्स हैं जो कि मुझे पूछते हैं, स्पेशली पर्सनली लिख के बताते हैं कि वो वर्ड्स का मतलब समझ गए हैं पर वो सेंटेंस नहीं बना पाते। वैसे तो आपकी आसानी के लिए मैं जो ये एग्जाम्पल्स हैं देती ही हूँ, बट फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं, यू कैन ऑलवेज रीच मी, और कैसे वो मैं बताऊंगी लास्ट सेगमेंट में कि आप कैसे हमें फीडबैक, व्यूज या हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज फ्रोजी। फ्रोजी, FROWZY, फ्रोजी, FROWZY, फ्रोजी। दोस्तों, इसका मतलब है नेग्लिजेंट ऑफ नीटनेस, स्पेशली इन ड्रेस एंड पर्सन, मतलब हैबिचुअली डर्टी, अनकैम्प्ट, मतलब इसको हम अगर सिंपल भाषा में कहें, जिसको आदत हो, जिसकी हैबिट हो कि वो डर्टी दिखता है, डर्टी रहता है, कपड़े भी ऐसे गंदे से पहनता है, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं फ्रोजी, FROWZY, फ्रोजी। या फिर ये आप किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे ही हैज अ फ्रोजी बेडरूम, मतलब कि उसका जो रूम है बहुत ही फ्रोजी है, यानी कि बहुत ज्यादा डर्टी है। मतलब ये नहीं कि आज की बात है, हमेशा उसका बेडरूम डर्टी रहता है, ठीक से चीजें नहीं पड़ी होती, डस्ट होती है, सो ही हैज अ फ्रोजी बेडरूम। तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज सल्की। सल्की, SULKY, सल्की, यानी कि मूविंग स्लोली, कोई चीज बेहद स्लोली चल रही है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं वर्ड सल्की, SULKY, सल्की। यानी कि सेंटेंस ले लेते हैं एक आपकी आसानी के लिए, इट इज अ सल्की रिवर, या फिर इट इज अ सल्की स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम। दोस्तों, ये एक वर्ड है जिसकी बात मैं बहुत हफ्ते या यूं कहूं महीनों पहले कर चुकी हूं, और आपको ये वर्ड मैंने बताया है वोकैबुलरी डोज के एपिसोड्स में भी। स्ट्रीम होता है जो पानी की धार निकलती है, जो पानी की एक स्ट्रीम निकलती है नदी में से, दरिया में से, तो उसे हम कह देते हैं स्ट्रीम। तो यहाँ पे वैसे हम बात कर रहे हैं सल्की की, फिर भी ये पासिंग रेफरेंस मैंने आपको दे दिया है। तो सल्की का मतलब होता है बहुत स्लो, सल्की का मतलब क्या होता है बहुत स्लो, जैसे इट इज अ सल्की स्ट्रीम, मतलब बहुत स्लो स्ट्रीम। तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज सफ्यूज, SUFFUSE, सफ्यूज, यानी कि कॉज टू स्प्रेड और फ्लश और फ्लड थ्रू, मतलब या फिर ओवर और अक्रॉस, मतलब कोई भी चीज फैला देना, चाहे वो ऊपर से, चाहे नीचे से, चाहे चारों तरफ को, तो वो होता है सफ्यूज, SUFFUSE, सफ्यूज। जैसे सेंटेंस लूंगी और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, The sky was suffused with a warm pink color. सूरज जब ढलने लगता है तो
या फिर बंद बंद सा मौसम होता है, तो तब जो आसमान है वो पिंकिश सा हो जाता है, रेडिश पिंकिश सा, तो तब हम तो उस चीज को हमने सेंटेंस में बोला है द स्काई वाज सफ्यूज्ड विद अ वार्म पिंक कलर। या फिर अगर सिंपल सेंटेंस बोलूं तो आप ये भी कह सकते हैं द स्काई वाज सफ्यूज्ड विद ब्लैक डार्क क्लाउड्स। सो सफ्यूज सिंपल भाषा में फैला हुआ था, मतलब पूरा घिरा हुआ था। तो चलिए दोस्तों, दीज वर द फोर वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 151st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। सो लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर कन्वीनियंस। आपकी आसानी के लिए हमेशा मुझे रिकैप तो लेना ही होता है, तो चलिए जल्दी से ले लेते हैं। तो थर्ड सेगमेंट का जो 9th वर्ड था इस शाम का वो था अनकैम्प्ट, UNKEMPT, अनकैम्प्ट, यानी कि नॉट नीटली, मतलब अच्छे से कंघी नहीं की हुई, बाल एम ही खड़े हुए, लगता है कि बाल बना के ही नहीं आया व्यक्ति, तो वो जो गंदे से बाल लगते तो उससे आप कहते थे अनकैम्प्ट, UNKEMPT, अनकैम्प्ट। जैसे ही हैज वाइल्ड अनकैम्प्ट हेयर, मतलब जंगलियों वाले बाल हैं, हमेशा ऐसे लगता है कंघी करता ही नहीं है या करती ही नहीं है, सो दैट इज अनकैम्प्ट। तो चलिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज वाज फ्रोजी, FROWZY फ्रोजी। जी हाँ दोस्तों, फ्रोजी FROWZY, मतलब मैंने बताया था नेग्लिजेंट ऑफ नीटलेस स्पेशली इन ड्रेस एंड पर्सन, हैबिचुअली डर्टी एंड अनकैम्प्ट, मतलब कपड़ों के या व्यक्ति को लेके कोई जो मतलब बहुत ही डर्टी हो, हैबिटी हो गंदे रहने की, गंदा रखने की, तो तब आप यूज कर देते हैं ये वर्ड फ्रोजी। जैसे ही हैज अ फ्रोजी बेडरूम, मतलब जिसका बेडरूम है वो फ्रोजी है, यानी कि हमेशा गंदा होता है, आज की बात नहीं है, सो फ्रोजी। अगर कोई डाउट है यू कैन ऑलवेज रीच मी। तो अभी के लिए 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज सल्की, सल्की SULKY सल्की, यानी कि मूविंग स्लोली, कोई चीज बेहद स्लोली चल रही हो तो उसे हम कहते थे सल्की, SULKY सल्की। जैसे सल्की स्ट्रीम या फिर इट इज अ सल्की रिवर, कोई चीज बेहद स्लोली चल रही है तो उसे हम कहते थे सल्की, SULKY सल्की। तो चलिए द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज सफ्यूज, SUFFUSY सफ्यूज, यानी कि दोस्तों कॉज टू स्प्रेड और फ्लश और फ्लड थ्रू ओवर और अक्रॉस, यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं, जैसे मैंने बताया था सफ्यूज यानी कि किसी चीज पे घेरा डाल लेना, किसी चीज को कवर सारी तरफ चारों तरफ को फैल जाना ऊपर नीचे यहाँ वहां, तो वो था सफ्यूज। जैसे द स्काई वाज सफ्यूज विद वार्म पिंक कलर, जो स्काई था आसमान था वो पिंक कलर से बिल्कुल घिर गया था, पूरा पिंक था चारों तरफ, सो द स्काई वाज सफ्यूज विद वार्म पिंक कलर। तो दोस्तों दीज वर द फोर वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 151st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। सो मैं दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, लौटूंगी उसके बाद क्योंकि अभी बात करनी है और भी फोर वर्ड्स की। आप बने रहिए, सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। Bye.
अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए, इसलिए अब से सालों की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 151st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी टूल्स एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलर इंग्लिश वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पॉपुलर का मतलब है ट्रेंडी, जो कि आजकल काफी यूज हो रहे हैं या यूज होने में आते हैं। तो चलिए जल्दी से कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ। द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग इज पेलमेल, पेलमेल, पीई डबल एल पेल, फिर हाइफन, फिर मेल, एम ई डबल एल मेल, पेलमेल, यानी कि विद अनड्यू हरी एंड कंफ्यूजन। मतलब कोई बहुत ही जल्दी में है और कंफ्यूजन में है, उसे पता नहीं कि कहां जाना है पर भागा चला जा रहा है, तो तब हम क्या कहते थे, तब हम पेलमेल। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं पेलमेल, जैसे दे रश्ड पेलमेल अप द हिल, दे रश्ड पेलमेल अप द हिल, मतलब कंफ्यूजन में बेझिझक यहाँ वहां ध्यान दिए भागे चले जा रहे हैं, हिल के ऊपर, पहाड़ के ऊपर चढ़ी जा रहे हैं, भाग रहे हैं तेजी से, पता नहीं कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। सो पेलमेल यानी कि विद अनड्यू हरी एंड कंफ्यूजन, मतलब जरूरत नहीं है जल्दी भागने की, फिर भी वो जल्दी भागे चली जा रहे हैं कंफ्यूजन में, तो वो है पेलमेल। तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज स्क्वालिड, 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 एस क्यू यू ए एल आई डी, स्क्वालिड, एस क्यू यू ए एल आई डी, स्क्वालिड, यानी कि मॉरली डिग्रेडेड हो गया या अनप्लेजेंट हो गया या ऑफेंसिव हो गया, या मतलब जैसे होता नहीं कोई चीज जो देखने में अच्छी ना लग रही हो, ऑफेंडेड लग रही हो या फिर ऑफेंड करे आपको, मॉरली भी बिल्कुल डिग्रेडेड लगे कि यहाँ पे कैसे कोई रह सकता है, कितना गंद है, मतलब नो ऑफेंस टूवर्ड्स एनी बडी और एनी सच यू नो एनीथिंग। ये बस एक सेंटेंस है और मीनिंग के लिए मैं बता रही हूँ। स्क्वालिड का मतलब होता है मॉरली डिग्रेडेड, अनप्लेजेंट एंड ऑफेंसिव, या फिर स्लो। जैसे एक सेंटेंस ही ले लेते हैं दोस्तों, इट वॉज अ स्क्वालिड overcrowded apartment in the poorest part of the town, मतलब वो एक ऐसा squalid overcrowded area था, apartment था city का, जहाँ पे बहुत ही गरीब लोग रहते और एक रूम में 15-15 लोग रह रहे थे, तो वहां मुझे बिल्कुल मेरे से तो रहा ही नहीं जाता। सो squalid overcrowded मतलब बहुत ही ज्यादा degraded, एक रूम में सारे रह रहे हैं तो 5 लोगों के खड़ने की जगह 15 लोग रह रहे हैं, तो कितना morally degraded लगता है, unpleasant लगता है। दोस्तों ये एक एग्जांपल है स्क्वालिड का मतलब समझाने के लिए। सो स्क्वालिड मतलब कि जो मतलब जिसको देखे आप लोग यहाँ कैसे कोई रह सकते, इतना गंद है, इतना ज्यादा पुअरनेस है, बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव लगे आपको देखने में, तो वो होता है स्क्वालिड। तो चलिए दोस्तों, द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज जर्मेन, जर्मेन, जी ई आर एम ए एन ई, जर्मेन, जी ई आर एम ए एन ई, जर्मेन, यानी कि रेलिवेंट एंड appropriate, कोई चीज जो रेलिवेंट हो और appropriate हो तो उसके लिए हम यूज कर देते हैं वर्ड जर्मेन। जैसे कोई चीज आप बात कर रहे हैं और उससे कोई रेलिवेंट है, कोई चीज मिलती जुलती है या उससे बिल्कुल संबंध रखती है, तो तब वो एक रेलिवेंट चीज है और उसे आप कह सकते हैं जर्मेन। जैसे दे आस्क क्वेश्चंस दैट आर जर्मेन एंड सेंट्रल टू द इशू, मतलब इंटरव्यू में तुम जाओगे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम जिस चीज के लिए जा रहे हो उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे। दे आस्क जर्मेन एंड सेंट्रल टू द इशू, सो जर्मेन यानी कि रेलिवेंट, ये नहीं कि आप मैथ्स का टेस्ट दे रहे हो और वहां पे आपको हिंदी के क्वेश्चन आ गए, नो। सो जर्मेन मीन्स मैथ का एग्जाम्पल दे रहे हो और मैथ के ही क्वेश्चन आए, सो जर्मेन, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया है। तो चलिए दोस्तों, 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज रिजॉइंडर, रिजॉइंडर, आर ई जे ओ आई एन डी ई आर, रिजॉइंडर, यानी कि अ क्विक रिप्लाई टू अ क्वेश्चन और रिमार्क, मतलब किसी भी क्वेश्चन या रिमार्क को रिप्लाई कर दे, वो भी एक विटी और क्रिटिकल वे में, मतलब एक बड़ी हंसी मजाक या एक बड़ी तिक्खी सी तरीके से कोई व्यक्ति इसको रिप्लाई कर दे, रिस्पांस दे दे, तो उससे हम कहते हैं रिजॉइंडर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इट ब्रॉट अ शार्प रिजॉइंडर फ्रॉम द टीचर, मतलब सपोज कीजिए कि छुट्टियां अभी खत्म ही हुई थी कल और आप में से किसी व्यक्ति ने टीचर को पूछ लिया कि मिस कल भी क्या छुट्टी है, क्या हम कल छुट्टी ले सकते हैं, तो टीचर ने एकदम से तीखा सा करारा सा जवाब दिया, तो आपकी जो बात है उसने वो तीखे से जवाब को आपने अट्रैक्ट किया। जैसे इट ब्रॉट अ शार्प रिजॉइंडर फ्रॉम द टीचर, मतलब जैसे तुमने वो बात की उसकी वजह से टीचर की तरफ से एक तीखा सा एक जवाब आया, सो
इट ब्रॉट अ शार्प रिजॉइंडर फ्रॉम द टीचर, मतलब टीचर की तरफ से एक शार्प रिजॉइंडर. तो दोस्तों, दीज आर द फोर वर्ड्स फॉर द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड. लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर कन्वीनियंस. तो चलिए दोस्तों, द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज पेल हाइफन मेल, पेल मेल, PELL पेल हाइफन MELL मेल, पेल मेल, यानी कि विद अनड्यू हरी एंड कंफ्यूजन. कोई चीज बहुत ही जल्दी में, बहुत ही कंफ्यूजन में हो रही हो तो उसे आप कह देते हैं पेल मेल. जैसे दे रस्ट पेल मेल अप द हिल, मतलब वो पेल मेल मतलब कंफ्यूजन में बहुत तेजी से पहाड़ की और ऊपर की तरफ भागे, तो पेल मेल मतलब उन्हें पता नहीं है किसने कहां जाना है, फिर भी भागे चले जा रहे हैं जबकि जल्दी भी नहीं है, तो पेल मेल. तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज स्क्वालिड, स्क्वालिड, SQUALID, स्क्वालिड, यानी कि मॉरली डिग्रेडेड, अनप्लेजेंट एंड ऑफेंसिव. कोई चीज जिसको देख के ही आपको बिल्कुल बिल्कुल ऑफेंस, आपको अच्छा ना लग रहा हो, आपकी आंखों को दिमाग को सही ना लग रही हो चीज, या फिर आपको एकदम से डर लग रहा हो, मॉरली डिग्रेडेड लग रही हो, बहुत ही अनप्लेजेंट लग रही हो, तो आप उसके लिए कह देते हैं वर्ड स्क्वालिड. जैसे अ स्क्वालिड ओवरक्राउडेड अपार्टमेंट इन द पुअरेस्ट पार्ट ऑफ द सिटी, मतलब वो एक ऐसी जगह पे रहता है जो मतलब बहुत ही ज्यादा स्क्वालिड है, क्योंकि वहां पे एक ही रूम में 15-15 लोग रहते हैं जिसमें कि रह बस 5 सकते हैं. मोर ओवर वहां पे बहुत गंदगी है, नालियों में से पानी बह रहा है, बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति है, तो उसको देख के ही आपका मन घबराता है, तो वो स्क्वालिड, SQUALID, स्क्वालिड. या फिर दोज वर स्क्वालिड लिविंग कंडीशंस, मतलब ऐसी स्थिति में कोई रह रहा है तो वो क्या है, दोज वर स्क्वालिड लिविंग कंडीशंस. तो चलिए, द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज जर्मेन, GERMANE, जर्मेन, GERMANE, जर्मेन, यानी कि रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट. कोई चीज जो रेलिवेंट है और अप्रोप्रिएट है तो उसके लिए यूज होता है वर्ड जर्मेन. जैसे दे आस्क क्वेश्चंस दैट आर जर्मेन एंड सेंट्रल टू द इशू, उन्होंने वो क्वेश्चन पूछे जो कि जर्मेन थे और सेंट्रल टू द इशू, जिस बात पे बात हो रही है उससे इसी रिलेटेड कोई चीज पूछी जाए तो वो होता है जर्मेन. जैसे जैसे सपोज आप मैथ्स का पेपर देने गए हैं और मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो जर्मेन है, यानी कि मैथ्स से रिलेटेड है, तो आप करने भी वही गए थे. ठीक है, तो आई होप आई हैव मेड माय क्लियर हियर. अभी के लिए द नेक्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज, द 16th वर्ड वाज रिजॉइंडर, REJOINDER, रिजॉइंडर, यानी कि अ क्विक रिप्लाई टू अ क्वेश्चन और रिमार्क, दैट टू इन अ विटी एंड क्रिटिकल वे, मतलब एक विटी से क्वेश्चन, किसी ने विटी सा क्वेश्चन किया और आपने विटी सा आंसर दे दिया एकदम से, जैसे उनका क्वेश्चन खत्म हुआ आपने आंसर दे दिया फटाक से, तो वो होता है रिजॉइंडर. जैसे इट ब्रॉट अ शार्प रिजॉइंडर फ्रॉम द टीचर, एक बच्चे ने एक बेहुदा और उस पे एकदम से टीचर ने फटाक से एक आंसर दिया, तो वो क्या हो गया, रिजॉइंडर, REJOINDER, रिजॉइंडर. तो दोस्तों, दीज वर द फोर वर्ड्स फॉर द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 151 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी टूज. तो लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद द लास्ट सेगमेंट. बने रहिए क्योंकि अभी थोड़ी बहुत बातें बाकी हैं और मुझे आपको बताना है कि आप कैसे हमारे से जुड़ सकते हैं, अपने व्यूज, फीडबैक, आइडिया, सजेशन शेयर कर सकते हैं. तो चलिए, सुनती हूँ और सुनाती हूँ इस ब्रेक के उस पार. हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड. दिल के ताबू तक पाए, डूब जाने की रुत है, आजा प्यार में घुल जाए. आज ना खुद को रोको, प्यार में खुद को झोंको, शिकवों के सारे पर्दे खींच दो. आसमां पे छाला है, गुनगुनाना है, बच्चा बादल दिल कहता है, भीग जा यारा. बरसों बरसों यारों बरसों रे, बद के प्यार यारों बरसों रे. We'll be right back.
Radio Udaan, a flavor of life. www.radioudaan.com. Now we are in the last segment of this 151st episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 popular words. Yeah, dosto, these are the words which are getting used in contemporary age. Yani ki aajkal kafi use ho rahe hain, trendy hain aur log use karte hain. Padhne likhne mein aapko milenge, sunne mein milenge, news mein milenge. तो दोस्तों इन वर्ड्स की हमने बात की. अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आप क्लियर करना चाहते हैं या आपके पास कोई आइडियाज, फीडबैक्स या सजेशंस हैं, फिर भी आप हमारे से जुड़ सकते हैं. हमारी वेबसाइट है www.radioudaan.com. साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है mail@radioudaan.com. साथ ही फेसबुक यूआरएल है www.facebook.com/radioudaan. तो वहां भी आप अपने व्यूज पोस्ट कर सकते हैं. और दोस्तों अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ यानी कि के साथ, तो मेरी जो डिटेल्स है वो इस प्रकार है. मेरा स्काइप आईडी है divya31s divya31s. साथ ही जो मेरा ईमेल आईडी है वो है divyapens31@gmail.com
pens31@gmail.com. तो दोस्तों जल्दी से अपने जो वोकैबुलरी है उसे और भी एनहांस कीजिए, कोई डाउट्स है उसे क्लियर कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी ज्यादा जो पावरफुल है वो बनाइए, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई वर्ड्स जरूर होते हैं जो आपको सुनने में आता है पर आपको मतलब नहीं पता होता, तो कितना अच्छा होगा कि आपको हर वर्ड का मतलब पता हो। तो चलिए बातें बहुत होगी, अब मुझे लेनी होगी इजाजत, आरजे दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो पंजाब इंडिया। तो जल्दी से मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक यानी कि सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, गुड लक एंड मेक श्योर यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स रेगुलरली। टेक केयर, गुड लक।